नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक सोनी कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों इसमें ग्राहक की रिक्वायरमेंट है कि ये कभी कभी चलती है और कभी कभी अपने आप बंद हो जाती है। तो इस स्थिति के अंदर होता है कि या तो ये जो इसका स्विच दिखाई दे रहा है ये खराब है, या फिर इसका ये जो प्रेशर स्विच दिखाई दे रहा है या फिर ये खराब है, और या फिर तीसरा कारण हो सकता है कि ये जो आपको प्लग का जो वायर दिखाई दे रहा है यानी कि मेन जो वायर दिखाई दे रहा है ये खराब है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले चेक करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना सीरीज बोर्ड है, तो आप देख सकते हैं सीरीज बोर्ड को लगाते ही इसके अंदर स्पार्किंग हो रही है, तो हो सकता है यही इसके अंदर प्रॉब्लम हो। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको लगा देता हूँ इस तरह से और इसको इस तरह से हिला देता हूँ, तो आप देख सकते हैं अपना बल्ब ग्लो हो गया है। अब फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसकी स्पीड कम ज्यादा करता हूँ तो अपना बल्ब भी ग्लो होना चाहिए, यानी कि अपना बल्ब एक बार फुल ग्लो होगा एक बार कम होगा। तो इस स्थिति के अंदर अपना बल्ब कम ज्यादा ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझो कि अपने मिक्सर ग्राइंडर तो एकदम ओके है, लेकिन इसका ये जो वायर दिखाई दे रहा है यही खराब है। और फ्रेंड्स, साथ के अंदर अपना बल्ब ग्लो कर गया, इसका मतलब ये स्विच भी सही है और इसका जो प्रेशर स्विच दिखाई दे रहा है ये भी सही है। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद में देखते हैं कि इसका वायर सही है या फिर खराब है। और फ्रेंड्स, अगर आप नजर फिरोकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं अपनी ये जो आपको प्लग का जो वायर दिखाई दे रहा है ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रखा है। फ्रेंड्स, हो सकता है 100% यही वायर खराब हो, लेकिन हम फिर भी अपने मिक्सर ग्राइंडर को खोलेंगे और खोलने के बाद में इस वायर को भी चेक करेंगे कि इसके अंदर आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपने मिक्सर ग्राइंडर को खोल लेता हूँ और इस तरह से इसको खोलना पड़ेगा। देखिए, ये जो प्रेशर स्विच दिखाई दे रहा है, इस प्रेशर स्विच का काम है कि अगर अपनी मिक्सर ग्राइंडर पर ज्यादा लोड हो जाता है यानी कि ओवरलोड होता है, तो अपना प्रेशर स्विच अपने आप ऑटो कट कर देता है अपनी मिक्सर को मशीन को और जलने से बचा लेता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं ये जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस मिक्सर ग्राइंडर को पहले भी किसी ने खोला हुआ है और यहाँ पे केवल दो ही स्क्रू लगे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इन दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको खोल लेना है, यानी कि जो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं इन स्क्रू को बहुत ही आसानी से खोल लेना है। अब फ्रेंड्स, आपको इस वायर को कैसे चेक करना है, देखिए इस वायर को अपने को चेक करने के लिए सीरीज का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अपने को सबसे पहले सीरीज के अंदर अपना वायर कनेक्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, इस वायर को चेक करने के लिए अपने को सीरीज का उपयोग बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास में सीरीज नहीं है तो आप मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अपना ये जो वायर दिखाई दे रहा है मेन वायर, देखिए एक मेन वायर अपना ब्लैक वायर दिखाई दे रहा है, ये वायर अपना डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है प्रेशर स्विच के ऊपर, और दूसरा वायर जा रहा है अपने कंट्रोल स्विच के ऊपर। देखिए, ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रहा है ये है इसका कंट्रोल स्विच, यानी कि अपन जहां से स्पीड कंट्रोल करते हैं उसी स्विच को अपन कंट्रोल स्विच कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अपने पास में दो ही वायर है, अपने केबल से दो वायर निकल रहे हैं, तो इन दोनों वायर को चेक करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, चेक कैसे करना पड़ेगा, अपन ब्लैक वायर, ये जो आपको ब्लैक वायर दिखाई दे रहा है, इस ब्लैक वायर को चेक करते हैं सबसे पहले। चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इस तरफ किसका देता हूं। अब देखिए, अपना ये जो वायर दिखाई दे रहा है ये वायर होकर आ रहा है, अपना यहाँ पे निकल रहा है। देखिए, ये पावर केबल दिखाई दे रही है, ये स्विच अपना यहाँ पे जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ब्लैक वायर को चेक कर लेते हैं, और ब्लैक वायर को चेक करने के लिए आपको इन दोनों प्रोब को इस तरह से चेक करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपना बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अपना इसके अंदर बल्ब ग्लो हो गया है, इसका मतलब ये ब्लैक वायर तो सही है। अब देखते हैं रेड वायर को। अब देखिए, ये जो रेड वायर दिखाई दे रहा है, चलिए हम इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि हमने ब्लैक वायर चेक कर लिया है। अब चेक करना है अपने को केवल ये रेड वायर। चलिए हम रेड वायर को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना बल्ब अभी बंद हो गया है स्थिति के अंदर, और अब हम वापस इसको हिलाते हैं तो अपना बल्ब ग्लो हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है यहाँ से डिसकनेक्ट हो रखा है। देखिए, ये जो वायर दिखाई दे रहा है डिसकनेक्ट हो रखा है। अब फ्रेंड्स, हम एक काम करने वाले हैं, हम सबसे पहले सीरीज वायर का जो हमने केबल लगाया था उसको अलग कर देते हैं, और यहाँ पे कटर की सहायता से इस वायर को कट कर देते हैं, और दूसरा यहाँ पे प्लग लगा देते हैं, और प्लग लगाने के बाद में फ्रेंड्स अपना मिक्सर ग्राइंडर एकदम ओके हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से सबसे पहले कटर की सहायता से कट कर देता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ से कटर की सहायता से कट कर लिया है, और कटर की सहायता से कट करने के बाद में हमने इस वायर को छिल लिया है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे चाहे तो जो अपना सादा प्लग होता है ये भी यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से इस प्लग को इसके अंदर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दूसरा प्लग लगा लिया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसको सीरीज के अंदर वापस चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं अपना बल्ब ग्लो हो गया है, और हम
ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है यानी कि कंट्रोल स्विच दिखाई दे रहा है, इसको प्रेस करते हैं तो अपना बल्ब कम ज्यादा ग्लो होएगा। देखिए फ्रेंड्स अभी फुल ग्लो हो रहा है, अब इससे थोड़ा कम ग्लो होगा, तो देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा कम ग्लो हो रहा है और देखिए इसके अंदर पूरा ग्लो हो रहा है और अब यहाँ पे पूरा कट ऑफ हो गया है, यानी कि फ्रेंड्स अपना जो कंट्रोल स्विच है वो पूरी तरह से पावर को कट कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको मेन के अंदर लगाते हैं और इसको चलाकर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम मिक्सर ग्राइंडर को कुछ इस तरह से रख देते हैं और इस वायर को हम सीरीज के अंदर ना लगाकर डायरेक्ट मेन के अंदर देते हैं और इसका स्विच ऑन करते हैं और आपको ये जो आपको कंट्रोलर स्विच दिखाई दे रहा है इसको ऑन करते हैं तो अपना मिक्सर ग्राइंडर चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने वायर को लगा दिया है और वायर को लगाने के बाद में इस बटन को हम घुमाते हैं, यानी कि जो रेगुलेटर स्विच दिखाई दे रहा है इस स्विच को घुमाते हैं तो अपना मिक्सर ग्राइंडर 100% चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपना मिक्सर ग्राइंडर चल गया है। और दोस्तों अगर आपके सामने भी ऐसी समस्या दिखाई देती है तो आप भी घर बैठे अपने मिक्सर ग्राइंडर को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।